तो गाइज ये हमारी साटन सिल्क साड़ी का फाइनल लुक आप देख ही सकते हो। साड़ी का लुक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल गया है। एंड बट इसमें जो दिक्कत थी वो मैंने आपको दिखाया है कि इसमें जो मैंने कलर ऑर्डर किया था वो आप देख ही सकते हो, डार्क पर्पल सा ऑर्डर किया था, बट मुझे रिसीव ये पिंक कलर हुआ है। एंड इसका जो प्राइस है वो मुझे 310 रुपये पड़ा है। तो ये गाइज हमारी सेकंड साड़ी का फाइनल लुक आप देख ही सकते हो। स्क्रीन पे मुझे साड़ी कुछ इस तरह की दिखाई दे रही थी बट मुझे रिसीव कुछ इस तरह की हुई है। बट इट्स ओके गाइज, बिकॉज गाइज इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा था कि डार्क मैरून कलर की आएगी, तो मैरून कलर की आई है, मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे। बट इसका जो प्राइस आप देख सकते हो करीब करीब 700 रुपये है, 700 रुपये है। बट इसका जो 700 रुपये के प्राइस के हिसाब से आप देख ही सकते हो बॉर्डर वगैरह थोड़ा सा कम है, बट ओवरऑल इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी थी। तो ये गाइस थर्ड साड़ी का फाइनल लुक आप देख सकते हो, कितना प्यारा लुक निकल गया है। एंड इसका जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 365 रुपये है। अब आप गाइस खुद कंपैरिजन कर सकते हो दोनों साड़ियों में, एक 700 रुपये की, एक 365 की है। एंड दोनों में से किस में ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग है, किसका लुक ज़्यादा अच्छा है। हाय गाइस, आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना छोटा सा मीशो हॉल, जो कि इसमें मैंने 3 साड़ियाँ खरीदी हैं एंड एक ये सूट का पीस खरीदा है। एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये चूड़ियाँ खरीदी हैं थोड़ी सी। तो बस इतना सा ही मेरा मीशो हॉल है। तो इन सभी साड़ियों की मैं एंड इस ड्रेस की रिव्यू करने वाली हूँ। तो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। एंड गाइस अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैंने यहाँ पे ये साटिन सिल्क की साड़ी ली है, बिकॉज गाइस मुझे इसकी बहुत लंबे समय से रिक्वेस्ट आई थी कि मैं साटिन सिल्क साड़ी रेप करूँ। एंड मेरे पास थी भी नहीं, तो ये मेरी पहली साड़ी है जो मैंने साटिन सिल्क में लेने वाली हूँ। बिकॉज गाइस मुझे थोड़ी सी ना प्लेन जो साड़ी होती है वो इतना अच्छी नहीं लगती है। मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के साड़ी ली कि पता नहीं मेरे पे अच्छी लगेगी या नहीं। बट गाइस मेरे साथ एक थोड़ा सा धोखा हुआ है मीशो पे कि मैंने कलर कोई और मंगाया था एंड ये कलर आ गया है। ये कलर भी मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने रख लिया। एंड जो इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड इसका जो प्राइस है वो मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं यहाँ सारे स्क्रीन पे लगा दूंगी कि मेरे को कितने प्राइस में मिले हैं। एंड जो मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था सारे के मैंने ऑनलाइन पेमेंट किए, तो मुझे थोड़ा सा 10-20 रुपये का डिस्काउंट भी मिल गया था इसके चलते। तो आप देख सकते हो कि ये कलर निकला है। एंड इसका जो मैं फाइनल लुक है वो मैं अपने साड़ी वियरिंग चैलेंज पे, मतलब साड़ी वियरिंग पे दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं गाइज इस तरह की साड़ी निकली है। ये गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइज, एंड मैंने पंखा नहीं चला रखा बिकॉज ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो देखिए गाइज ये है इस तरह की साड़ी, प्लेन साड़ी है बिल्कुल साटिन सिल्क की जिस तरह की होती हैं। एंड मुझे नहीं पता, मुझे लगता था कि शायद जो साटिन सिल्क साड़ी होती हैं थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, बट ये सॉफ्ट नहीं है। आप देख सकते हो कैसे खड़ी खड़ी सी साड़ी लग रही है, सॉफ्ट नहीं है। अगर आप लोगों ने साटिन सिल्क साड़ी बाय की है एंड आपको इसका थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। बट मैंने थोड़ी सी ना उम्मीद की थी कि मुझे सॉफ्ट सिल्क की साड़ी मिलेगी, जो जैसे सॉफ्ट सिल्क वाली नहीं होती उस टाइप की मिलेगी, बट ये उस टाइप की नहीं मिली है। ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी रह रही है साड़ी। मैं जब इसके साथ साड़ी ड्रेपिंग वीडियो बनाऊंगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से मैं पहन पा रही हूँ, मतलब मैंने पहन के देखी थी थोड़ी सी ना खड़ी खड़ी रह रही है। बहुत ज़्यादा ऐसी सिल्क की साड़ियाँ जिस तरीके से रहती हैं बिल्कुल लटकी लटकी सी, उस तरीके से नहीं रह रही है। तो लेंथ वगैरह इसकी परफेक्ट है, सारा कुछ परफेक्ट है। एंड ये थोड़ी सी चीप भी है, आई थिंक 375 या फिर 378 की है, कुछ ऐसी साड़ी है। मुझे इसका प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं, मैं सारे प्राइस स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो आप लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इन साड़ियों को। अगर आपको साटिन सिल्क की साड़ी अब पता है कि इस तरह की होती है, थोड़ा सा खड़ा खड़ा कपड़ा होता है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं गाइस। मुझे वैसे उम्मीद थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे वैसे उम्मीद थी कि ये साड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट निकली। एंड ये है इसका ब्लाउज पीस गाइस, ये झिलमिलाता हुआ। मैंने स्पेशली ये साड़ी ब्लाउज पीस की वजह से ली है, वरना साटिन सिल्क की साड़ी बहुत ज़्यादा चीप मिल रही थी, एक तो और ज़्यादा सस्ती मिल रही थी। बट मैंने इसका थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा दिया सिर्फ इस ब्लाउज पीस की वजह से, बिकॉज गाइस मुझे ये ब्लाउज पीस चाहिए था। मैं इसका एक क्रॉप टॉप बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं साड़ी पे ही पहनूंगी, बट थोड़ा सा मैं और भी कई जगह पहन सकती हूँ। इस वजह से मुझे ये साड़ी चाहिए थी, इसका ब्लाउज पीस चाहिए था, एंड मुझे इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी। बट गाइस इसमें एक प्रॉब्लम है, इतना ही ब्लाउज पीस है, इतना ही, बस इतना। अगर आप मीडियम फिगर के हो तो आपको ये ब्लाउज परफेक्टली आप बना सकते हो। अगर आप लार्ज के हो तो या तो आपको स्लीवलेस बनाना पड़ेगा या तो आपको कुछ जुगाड़ उगाड़ लगानी पड़ेगी। तो
तो बस ये दिक्कत है इसमें। ओवरऑल इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, इसमें बिल्कुल वेलवेट का कह रखा था उन्होंने कि वेलवेट फैब्रिक है ब्लाउज का, एंड एग्जैक्टली वेलवेट फैब्रिक निकला है। एंड साथ ही साथ इसमें जो सीक्वेंस वर्क हो रहा है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने इसी की वजह से लिया था। एंड आप इसकी चमक देख ही सकते हो, एंड जो सीक्वेंस है वो भी इसमें जो सबसे अच्छी बात है, इसमें देखो स्टिच किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे चिपकाए हुए हैं वो अब बाद में निकल जाते हैं, उस तरीके का नहीं है, स्टिच किए हुए हैं। काफ़ी झाड़ लो वाड़ लो कुछ भी कर लो, इसके स्टोन जो क्या कहते हैं इसे सितारे से हैं ये निकलने नहीं वाले हैं। काफ़ी अच्छा ब्लाउज पीस है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मेरे को तो अभी लग रहा है कि बस मैं ऐसे इसे लपेट कर रखूँ। वैसे मुझे ब्लैक कलर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इसका जो ऐसा ये सिक्वेंस वर्क होते हैं ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा मेरी ऐसी पसंद है। सेकेंड मैंने ये साड़ी ली है, ये ब्लू कलर की साड़ी है, एंड गाइस ये साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, सबसे ज़्यादा इसकी कपड़ा क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। मैं सेकंड साड़ी दिखाऊंगी आपको, थर्ड ये मेरी सेकंड साड़ी मैंने इस तरह से ली है, देखिए इसकी गाइस इसका भी प्राइस 400 की कमी है, मतलब अंडर 400 है साड़ी, और सारी 500 है शायद, ये वाली कुछ 600 वगैरह की है। इसका ब्लाउज पीस भी काफ़ी अच्छा है, इसका इस पर एक सबसे अच्छी बात इसकी गाइस ये है कि इसकी जो साड़ी की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा, इतने सस्ते में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी मिल ही नहीं सकती। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये सस्ती है, इसलिए बहुत अच्छी है, मतलब कि सस्ते के कंपैरिजन में देखो ऐसा लोग ज़्यादातर करते हैं ना कि इतने प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। ये अगर इससे महंगी भी होती तो भी बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी देखो विचित्र सिल्क इसका कपड़ा का जो वो है डिटेल दे रखी थी कि इसकी जो इस कपड़े को कहते हैं विचित्र सिल्क कहते हैं, जो उसने मीशो में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होते उस तरीके में क्या रखा था, बट मुझे तो ये साड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, सॉफ्ट जॉर्जेट होता है उस तरह का इसका मुझे मटेरियल लग रहा है, बट लुक जो आ रहा है आप देख सकते हो इसका जो लुक आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि सिल्क है, तो शायद इसी को विचित्र सिल्क कहते हैं कि मतलब जॉर्जेट है बट थोड़ा सा जो लुक आता है वो सिल्क जैसा आता है, ऐसी है इसकी साड़ी। एंड इसका जो बॉर्डर वगैरह इसमें फिनिशिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा दे रखा है, एंड काफ़ी अच्छे से स्टिच हो रखा है, एंड इतनी अच्छे जल्दी पहन जाती है ये साड़ी, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब एक ही बार में पहन सकते हो आप इस साड़ी को, एंड पूरी साड़ी इस तरह की है, एंड लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छी है। कुछ लोगों ने इसकी कंप्लेंट की हुई थी कि इसमें जो साड़ी की लेंथ है वो थोड़ी छोटी है, तो शायद वो लोग लंबे होंगे, मैं तो मतलब मेरी हाइट तो ठीक ठाक है, आप देखते ही हो 5'4" मेरी हाइट है, 5.4 मेरी हाइट है, एंड उस हिसाब से इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, करीब इतना मैं दबा सकती हूँ इसे, अपने जो अंडर पेटीकोट में दबाते हैं उतना मैं दबा सकती हूँ इतनी है। एंड इसकी जो आप बॉर्डर वगैरह देख सकते हो उसमें फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, मुझे ये थोड़ा सा पीला ज़्यादा लग रहा है, बट कैमरे में ठीक लग रहा है, पर ऐसे मैं नॉर्मली देख रही हूँ तो ये थोड़ा सा जो कॉपर गोल्डन टाइप का होता है वो लग रहा है, एंड ये प्रॉपर चटक गोल्डन टाइप का लग रहा है, तो थोड़ा सा मुझे इसमें दिक्कत लग रही थी, बट ठीक है मुझे इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये जैसा बॉर्डर है वैसा ही सेम ब्लाउज है, ब्लाउज पीस भी इसका बहुत लंबा है, मतलब शायद 1 मीटर तो होगा, 1 मीटर से भी ज़्यादा है, एंड ये इसकी लेंथ इतनी लेंथ है आप देख सकते हो इतनी, बस इतना है ब्लाउज पीस, बट बहुत अच्छा है इसका ब्लाउज पीस, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा इसका ब्लाउज पीस निकलेगा, एंड इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये साड़ी मतलब गाइस 400 रुपये में क्या मिलता है मेरे को तो समझ नहीं आता, मतलब ऐसे लोकल मार्केट से कोई भी साड़ी वगैरह ले तो मुझे लगता है शायद 1000 रुपये में इतनी नॉर्मल साड़ी मिलेगी, मतलब 3000 से तो पार्टी में साड़ियाँ शुरू होती हैं दुकान वगैरह से अगर लेने जाओ तो, इतनी सस्ती साड़ी मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि इतनी अच्छी और इतनी सस्ती, अगर मुझे कोई भी चीज़ सस्ती मिलती है मतलब मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है अगर मुझे कोई भी चीज़ सस्ती मिल जाए। एंड ये इसका ब्लाउज पीस छोटा सा नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा है, मतलब मुझे लग रहा है शायद मैं इसका रीचेक करूँगी, मुझे लग रहा है शायद ये कोई ऑफर वगैरह चल रही हो, वरना इतना चीप कैसे हो सकती है कोई इतनी अच्छी क्वालिटी में, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा, इतनी अच्छी है बहुत अच्छी लग रही है मुझे। एंड ये है मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट साड़ी, मतलब ऐसा लग रहा था मीशो पे देखने में तो मुझे ऐसा स्क्रीन पे नहीं दिखाते उसमें तो लग रहा था कि बहुत अच्छी साड़ी है, थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंट हूँ इससे, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी हूँ, बट इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है एंड इसका कपड़ा स्पेशली बहुत अच्छा है। मतलब साड़ी में हम सब लोग सबसे ज़्यादा यही देखते हैं कि साड़ी का जो कपड़ा है वो कितना ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तो इसका कपड़ा गाइस बहुत कम्फर्टेबल है, बट इसका थोड़ा सा कम कम्फर्टेबल है। ये साड़ी शायद मुझे अंडर 800 पड़ी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगी है इस हिसाब से। वैसे तो महंगी नहीं है, वैसे तो ऑफलाइन के हिसाब से तो बहुत सस्ती है, क्योंकि ऑफलाइन तो गाइस इतनी महंगी साड़ियाँ मिलती हैं मैं क्या बताऊँ। मतलब मैंने जब से ऑनलाइन लेना शुरू किया है साड़ियाँ, मैं ऑफलाइन लेती ही नहीं। इसकी लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छी है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा है एंड जो इसकी कपड़ा क्वालिटी है डोला सिल्क बता रखा था, बट देखना बहुत चीप सा इसका कपड़ा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पिन विन टक करने से एक दो बार में खिंच जाएगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, ये मैं जो भी रिव्यू दे रही हूँ बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है, कोई भी ऐसे पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है। तो सब गाइस आप जानते हो, वैसे मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया है, जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, क्योंकि मैंने अप्लाई कर रखा है। और ये इसका बॉर्डर है, बट गाइस में एक दिक्कत है इस साड़ी में, मैं वो आपको शायद पहन के दिखाती बट मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए इसकी बॉर्डर बस यहाँ तक है, इसमें कमर पे यहाँ पे बॉर्डर नहीं आने वाला है, जो हमारी कमर फिटिंग में बॉर्डर आता है। एंड गाइस यहाँ पे पीछे नीचे भी ये इतनी लेट जाके शुरू हुआ है, इतनी लेट, तो जो हमारी पहली प्लीट्स आती है वो बिल्कुल प्लेन आएगी। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ कर रखा है, आप देखोगे इसका जो ब्लाउज पीस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला है एंड इसकी जो ब्लाउज की क्वांटिटी है वो मुझे लगता है इससे ज़्यादा है, नहीं दोनों की सेम है। तो गाइस इसमें जो ब्लाउज पीस है इसमें से थोड़ा सा कपड़ा बचा के मैं इसका बॉर्डर बना के फ्रंट में लगा लूंगी, ताकि मेरी नीचे वाली प्लीट्स ना, नहीं गाइस आप देख सकते हो कितना लंबा कपड़ा है इसका, मैंने बोला था ना इसका ब्लाउज काफी ज्यादा निकला है, आप देख सकते हो इतना ज्यादा इसका ब्लाउज पीस, इतना एक्स्ट्रा में निकला है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये खत्म हो गया, ये इतना है। मुझे मतलब देख के ही फील आ रहा था कि इसका जो ब्लाउज पीस है वो बहुत ज़्यादा निकला है एंड सच में निकला है, और उसका सबसे कम निकला है, इसका एवरेज निकला है, जितना होता है उतना ही है। बिकॉज गाइस हम इतने टाइम से साड़ी पहनते हैं, इतना तो हमें आइडिया हो ही जाता है कि किसका ब्लाउज पीस ज़्यादा बड़ा है किसका नॉर्मल है, तो इसका नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल साड़ियों में जितना आता है शायद 75 सेंटीमीटर आता है उतना ही है, एंड इसका तो मुझे 1 मीटर से भी ज़्यादा लग रहा है। तो ये है गाइस इसका ब्लाउज पीस, अंदर इस तरीके की ये बुकरम लगी हुई है जो वॉश करते हट जाएगी, देखिए इस तरह वाली कागज वाली बुकरम ना, ये वो लग रखी है, ये हट जाएगी, फिर इसका कपड़ा ये है। अच्छी खासी आपको मोटी वाली लाइनिंग लगानी पड़ेगी इसके लिए, अदरवाइज इसका जो ब्लाउज है ढीला मीला हो जाएगा। इतनी महंगी साड़ी लेने के बाद ऐसा ढीला मीला ब्लाउज बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसमें एक अच्छी खासी लाइनिंग लगाने वाली हूँ डार्क मैरून कलर की। ओवरऑल ये साड़ी का लुक बहुत अच्छा आ रहा है, मुझे बहुत सुंदर लग रही है साड़ी। एंड ये मैंने लिया है सूट, ये मैंने सूट इसलिए लिया है बिकॉज गाइस समर आ रहे हैं एंड मुझे गर्मी के जो ऐसे प्योर कॉटन वाले सूट होते हैं ये अच्छे लगते हैं। एंड देख सकते हो आप मैंने चटक पिंक लिया है, मुझे ऐसे कलर पसंद है, मैरून पिंक मुझे इसी तरह के कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये इसका लुक, ये मैं वैसे एक बार पहन चुकी हूँ, इसकी मैं एक वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, ये वीडियो तो काफ़ी लेट जाने वाली है बिकॉज गाइस अभी मुझे ब्लाउज स्टिच करने हैं, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाऊंगी मतलब फाइनल अपलोड करूंगी, तो इसलिए ये वीडियो शायद एक हफ्ते बाद जाए, जब मैं शूट कर रही हूँ उसके एक हफ्ते बाद जाए। एंड ये एक मीशो से मैंने प्लाजो सेट लिया था, बट गाइस इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत पता है क्या हुई, ये प्लाजो नहीं है, ये ऐसे घंघ रहा है, ठीक है मैंने इतना, मेरी गलती है मैंने देखा नहीं था, उन्होंने मेंशन कर रखा था कि घंघरा एंड सूट है, तो ठीक है प्लाजो आया है, प्लाजो की मुझे उम्मीद थी। मैं वैसे ज़्यादा दिन इस घंघरे को पहनने नहीं वाली, प्लाजो बना लूँगी, इतनी तो मैं कलाकार हूँ। एंड इसकी मुझे एक दिक्कत लगी गाइस, अगर आप मीडियम साइज़ को, मेरा साइज़ है मीडियम है एंड आपने फुल लुक देख रखा होगा, मैं अगेन आपको दिखा दूँगी। एंड इसकी जो बॉर्डर है वो काफ़ी अच्छी है, बारीक वाली गोटा पट्टी होती है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये है पूरे पे आप देख सकते हो इस तरह का। एंड अगर आप मीडियम साइज़ को तो आपको ये आने वाला है, मेरे साइज़ को तो आपको थोड़ा सा लूज़ होने वाला है, इतना 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 दोनों तरफ से लूज़ होने वाला है, एक एक इंच का, बिकॉज गाइस मुझे भी था बट मैंने ये डेली पहनने के लिए मंगाया था, तो मैंने इसमें कोई भी फिटिंग वगैरह नहीं लगाई है। ये इसकी बाजू भी काफ़ी अच्छी है और फुल बाजू है इसकी, एंड मुझे ये पड़ा था 500 का, मैंने 500 का लिया था, ये मैंने पहले ले लिया था साड़ियों से, बट मैंने सोचा था इसका रिव्यू
साथ करूंगी तो थोड़ा सा सही रहता है, एक अकेले सूट के रिव्यू क्या ही करूं, इसलिए मैंने नहीं किया। इसका जो घाघरे की बात करूंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसे घेर मेरे तो काफ़ी अच्छा है, अगर आप मेरे से थोड़े से मोटे हो तो आपको ही अच्छा लगेगा, बट मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा। आप देख सकते हो लास्टिक इसकी बहुत ज़्यादा लूज है, एक तो घाघरा है अब पैर के नीचे आ जाता है फिर मतलब खिसक जाएगा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई भी इसमें और कोई सेफ्टी नहीं दे रखी है, सिर्फ नाड़ा है, तो मैं इसमें या तो वो लगाने वाली हूँ नाड़ा, तभी मैं इसे पहनूंगी, या फिर मैं कुर्ती को जीन्स के ऊपर पहनूंगी, एंड इसकी भी कुछ कुर्ती वगैरह बना लूंगी। मैं बहुत कलाकार हूँ इस मामले में। घाघरे का घेर काफ़ी अच्छा है एंड लुक भी काफ़ी अच्छा है, प्रिंट भी बहुत सुंदर है। अगर इसका प्लाजो होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। एंड ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा से मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि बहुत छोटा निकला है। 500 का जो कुर्ता पीस वगैरह मैंने और भी ऑनलाइन लिए हैं, उनका जो दुपट्टा होता है बहुत अच्छा होता है, एंड इसका दुपट्टा ये रहा, बस इतना सा दुपट्टा है, इतना, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे फोल्ड कर रखा है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो लंबे लंबे दुपट्टा बहुत पसंद है। चूड़ियाँ मुझे वैसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, चूड़ियों की रेट शायद 160 वगैरह है, एंड इसकी जो मैट फिनिश है, पूरी चूड़ियाँ मैट फिनिश है, आप देख सकते हो पूरी चूड़ियों पर बिल्कुल मैट फिनिश हो रखा है, बट इसका जो मेटल है वो ग्रास है, एंड जो इसकी देख सकते हो इधर उधर गोल्डन चूड़ियाँ लगी हैं। इसमें एक येलो कलर था वो मुझे बहुत सुंदर लगा था, बट मैंने रेड कलर इसलिए लिया, चूड़ियाँ बस चूड़ियों में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मुझे रेड कलर ही पसंद है चूड़ियों में, रेड या फिर डार्क पिंक या फिर डार्क मैरून, मैं इन्हीं कलर की चूड़ियाँ पहनती हूँ। मैचिंग की बहुत रेयर पहनती हूँ, अगर मैचिंग का कलर ऐसा हो पर्पल वगैरह तो फिर मैं मैचिंग की चूड़ियाँ पहनती हूँ, अदरवाइज मैं रेड चूड़ियाँ ही पहनती हूँ, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, मतलब मेरी जान है रेड कलर में। तो ये थी गाइस मेरी छोटा सा मीशो हॉल, आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड आपको कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी साड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड सबसे पहले आप कौन सी साड़ी ड्रेपिंग की वीडियो देखना चाहोगे ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।